बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुक एंड फन विद सुनीला एजाज़ के साथ मैं हाजिर हूँ। आज मैं आपके लिए टर्किश ब्रेकफास्ट सेलिबर लेकर आई हूँ। सेलिबर एग्स को कहते हैं, तो इसलिए इसका नाम टर्किश सेलिबर है। तो इसके लिए मुझे योगर्ट चाहिए, थिक योगर्ट चाहिए। आप ग्रीक योगर्ट भी ले सकते हो। उसमें साल्ट, रेड चिल्ली पाउडर, क्रश चिली, चिली आप अपनी टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हो। जितना आपको स्पाइसी चाहिए आप उस हिसाब से उसमें ऐड करो। अब इसको मिक्स करना है और उसके बाद इसकी एक बेस बनानी है। जिस डिश में आप इसको सर्व करना चाहते हैं आप उसी में इसकी बेस बना, जिस में आप मिक्स कर रहे हो आप उसमें ही इसकी बेस बना सकते हो, नहीं तो आप दूसरी डिश में डाल लो। 1 टीस्पून मैंने बटर ली है। अब 1 टेबलस्पून मैं इसके लिए एक्स्ट्रा वर्जिन कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ। और 1.5 टीस्पून मैं क्यूमिन सीड ज़ीरा जो है वो ऐड कर रही हूँ। और इसका एक अच्छा सा बिगार सा बना लेंगे। और मैंने पाउच के लिए एक एग बाउल में लिया और पानी को मैंने बॉईल कर लिया और इसमें 2 टीस्पून मैंने विनीगर ऐड किया हुआ था, ताकि जो है जब हम पाउच इसमें ऐड करें तो हमारा पाउच टूटे ना। जितनी देर में पाउच हमारा रेडी हो रहा है, तो मेरे न्यू आने वाले व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कौन कौन सी रेसिपी चाहिए, ताकि मैं आपके लिए वो चीज़ लेकर आऊँ। बहुत से लोगों ने टर्किश टी के बाद मुझे ये कहा था कि टर्किश सेलिबर की भी रेसिपी आप लेकर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपके लिए दोबारा से ये रेसिपी डिटेल में लेकर आई हूँ। ये रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल में मौजूद थी, लेकिन कुछ लोगों को उस तरह अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि ये रेसिपी आप डिटेल में जो है हमारे साथ शेयर करें। तो मैं आपके लिए ये दोबारा से रेडी कर रही हूँ। इसके अलावा भी आप लोगों को कोई टर्किश डिश चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। हमारा पाउच रेडी हो गया। पाउच को जो है दूसरा पाउच भी हमारा रेडी हो गया है। आपने ये पाउच बनाते हुए ख्याल रखना है कि आपने स्पून जो है आराम से जो है बीच में यूज़ करना है, एकदम सिर्फ स्पून बीच में यूज़ नहीं करना, उस तरह जो है आपका एग जो है वो टूट जाएगा और फिर ये पाउच आपका नहीं बनेगा प्रॉपर। ये देखिए कितने प्रॉपर बने हैं। अब जो हमने बिगाड़ सा बनाया था कुमिन सीड और बटर और ऑयल का, वो इसके ऊपर ऐड करेंगे। कोरिएंडर, ग्रीन चिली और चाट मसाला, ये आपका ब्रेकफास्ट रेडी है। आप इसको पराठा, नान या स्पून जैसे आप इसको खाना पसंद करें कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।